भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नई प्रतिभा और नयापन की काफी जरूरत है। ऐसे में हल्फा मचाकर अपना एक कदम इंडस्ट्री में रखने वाले एक्टर राघव नय्यर इन दिनों अपनी नई फिल्म को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। राघव की फिल्म सपना जल्द ही शुरू की जाएगी। फिल्म के शूटिंग से पहले की सभी तैयारियां काफी जोरों शोरों से की जा रही है। हाल ही में राघव और उनकी टीम फिल्म की शूटिंग के लोकेशन के लिए बनारस पहुंची, जहां उन्होंने अपनी फिल्म के कहानी के आधार पर फिल्म का लोकेशन चुन लिया। अब फिल्म की पूरी शूटिंग बनारस में की जाएगी। फिलहाल फिल्म के गानों की तैयारी की जा रही है। फिल्म में 8 गाने हैं, जिसे छोटे बाबा संगीत दे रहे हैं। राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी फिल्म हल्फा मचा के गईल से शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राइजिंग स्टार का अवार्ड भी मिला। इसके बाद राघव अक्सर ही मीडिया की सुर्खियों में रहे, कभी किसी रियलिटी शो की वजह से तो कभी अपने किसी खास गाने की वजह से। अवार्ड शोज में भी राघव ने खूब धमाल मचाया, लेकिन अब अपने सपने को आगे बढ़ाते हुए राघव अपनी फिल्म सपना की तैयारियों में जुट गए हैं। इस फिल्म में उनके साथ प्रियांशु सिंह नजर आएंगी और साथ ही एक्ट्रेस यामिनी सिंह भी गेस्ट अपीयरेंस के जरिए अपने ग्लैमरस का तड़का लगाती नजर आएंगी। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू की जाएगी। इस फिल्म को लेकर राघव काफी उत्साहित है और हर कोशिश में लगे हुए हैं ताकि फिल्म को दर्शकों के मनोरंजन के लिए पूरी तरह से अच्छी फिल्म साबित कर पाए।